अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बख़ैर आफ़ियत के साथ होंगे। तो व्यूअर्स, ये रात का टाइम है, कल वाला व्लॉग जो मैंने एंड किया था, फिर अगेन उसके बाद जो है मैंने न्यू व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे अम्मी ने बनाई थी अबू के लिए चाय, अबू जो है वो लाइट पत्ती पीते हैं और मैं जो हूँ वो तेज़ पत्ती वाली चाय जो है मुझे अच्छी लगती है। तो अम्मी यहाँ पे मेरे लिए चाय बना रही थी और अपने लिए अब्बू के लिए पहले अम्मी ने हल्की पत्ती जो है वो डाल के चाय बना दी थी। तो खैर, बस उसके बाद खाना शाना खाया, वॉक वगैरह की। और गाइस, ये है रात का टाइम, तकरीबन यहाँ पे 1:30 या 2 बज रहे थे रात के। तो सब बहने हम लोग सोए हुए थे, तो सामने से जो बिल्ली है ना, आप देख रहे होंगे आँखें इसकी चमक रही हैं। तो खैर, मैं तो इतना नहीं डरती हूँ इससे, तो मेरी छोटी बहनें ज़्यादा डर जाती हैं। तो मुझे यह था कि कहीं उनकी आँख ना खुल जाए और फिर वो शोर शराबा हंगामा डरने के बाद ना हो जाए घर में। तो बस उसी चीज़ का मुझे था, क्योंकि अब्बू जो है पूरा दिन बिजी होते हैं, बस रात को अब्बू जो है वो सुकून से सोते हैं। तो फिर मुझे यह था कि बस अब्बू की बहनें उठेंगी, वो शोर शराबा मचाएंगे, तो फिर उसके बाद ऐसा ना हो फिर अब्बू की आँख खुल जाए, अब्बू की नींद ख़राब ना हो जाए। तो बस मैं यहीं पर ध्यान रखा हुआ था कि बिल्ली अगर इस तरफ आई तो मैं भगाने की कोशिश करूंगी, हालांकि मैं खुद भी डरपोक हूं बहुत ज़्यादा। तो खैर, बस ये है मॉर्निंग का टाइम यहाँ पे जी। अम्मी नाश्ता बना रही थी और अबू ने कहा था कि जब नाश्ता बना लो तो फ्रेश जूस निकाल के देना ज़ैनब को, ज़ैनब मेरी छोटी छोटी बहन है। तो खैर, मुझे आवाज़ आई तो बस मैं उठना भी चाह रही थी, 10:15 का टाइम था, फिर मैं उठी हूँ, मैंने बहन को जूस निकाल के दिया और बस उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे जी मैंने जूस निकाला और फिर उसके बाद मैंने नाश्ता किया, अम्मी ने नाश्ता बना दिया था, तो नाश्ता वगैरह किया। नाश्ते के बाद जो है वो चाय शाय पी है, तो बस इसी तरह से जो है वो मैं उठ गई थी। वैसे मेरा मूड था और सोने का, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी, लास्ट नाइट भी बेचैनी गुजरी, मतलब ऐसे, मतलब मुझे नींद नहीं आ रही थी, लाइट भी चली गई थी, फिर आ रही थी, मतलब सिग्नल्स भी नहीं थे, फ़ोन भी मैं यूज़ नहीं कर पा रही थी। तो इस तरह से भी मेरा ना फुल सोने का मूड था, लेकिन फिर मैं उठी गई थी। तो खैर, उसके बाद जो है बहुत टाइम हो गया मैंने क्लिनजिंग नहीं की। मेरे पास जो है डर्माकोस का हेक्सागोनल क्लिनजर है, तो और मेरी सिस्टर के पास है ये क्यूकम्बर क्लिनजर इनका, तो आज ही मैं ये वाला ट्राई करूँगी। तो बस अभी मैं अपनी करने लगी हूँ क्लिनजिंग, उसके बाद जी मैंने क्लिनजिंग वगैरह की है। और यहाँ पे जी मैं सबको कह रही थी कि फालतू फालतू चीज़ें यहाँ से तुम हटा लो, तो मेरी छोटी सिस्टर कह रही थी कि आप कितना, मतलब हमसे ये काम करवा रही हो, ये काम करवा रही हो या वो काम करवा रही हो। तो खैर, मुझे ना मतलब इस तरह फैलावा ना बहुत बुरा लग रहा था, तो जो भी आ रहा था ना मैं उसको कह रही थी ये चीज़ें उठाते तुम यहाँ से लेते चले जाओ। तो खैर, बस यहाँ पर मैं सुकून से बैठ के जो है वो क्लिनजिंग करूँगी और 10 से 15 मिनट जो है वो दूंगी क्लिनजिंग को। उसके बाद जो है मैं मड मास्क जो अप्लाई करती हूँ, शायद वो है सॉफ्ट टच वालों का जी, तो बहुत दफ़ा मैं अपनी वीडियो में शो करवा चुकी हूँ। तो बस उसके बाद मैं क्लिनजिंग करने के बाद वो मड मास्क अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी और उसके बाद वॉश करने के बाद जो है मैं रोज़ वाटर अप्लाई करूँगी फेस पे। तो खैर, उसके बाद गाइस अम्मी गई हुई थी कहीं आस पड़ोस में कहीं पे, तो बस अम्मी को आके यहाँ पे खाना बनाना था, लेट हो गया था, फिर मैंने अम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प की, साथ में सिस्टर जो है वो आलू कट कर रही थी। आज अम्मी बना रही थी आलू बैंगन, और जब भी इस तरह की सब्ज़ी बनती ना तो फिर छोटी बहन जो वो नहीं खाती है, उनका अलग से शोर मच जाता है कि हम ये नहीं खाएँगे वो नहीं खाएँगे। तो खैर, अम्मी ने जो है वो आलू बैंगन बनाने थे, क्योंकि अब्बू शौक से खाते हैं, मैं शौक से खाती हूँ, अम्मी शौक से खाती हैं, बाकी जो मेरी छोटी सिस्टर्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं खाती हैं। तो बस अब देखो उन लोगों ने क्या खाना था आगे। तो बस उसके बाद ही मेरी सिस्टर ने मुझे बोल दिया कि आप ही सैंडविच बना दो आप, तो फिर उसके बाद ही मैंने छोटी बहनों के लिए सैंडविच बना दिए थे और मैंने अम्मी अब्बू ने हम तीनों ने जो है वो आलू बैंगन ही खाए थे। तो खैर, जब भी ऐसा होता सब्ज़ी बनती है तो फिर ये लोग नहीं खाते, वो सब्ज़ी अब्बू अम्मी को ही ख़त्म करनी होती है। अब तो खैर मैं भी हूँ, तो मैं तो सभी चीज़ें खा लेती हूँ, मतलब मैं कोई भी नखरा नहीं करती कि मैं ये नहीं खा रही या मैं वो नहीं खा रही, टोटली जो भी चीज़ें बनती हैं ससुराल में मेरे, मतलब अम्मी के घर पर, मतलब जो भी मैं वो बनती हूँ, मतलब सब चीज़ें मैं खा लेती हूँ, मतलब नखरा टाइप इस तरह की कोई चीज़ नहीं है मेरी। तो खैर, बस यहाँ पे अम्मी खाना खा रही थी साथ में जी, मैंने भी खाया अम्मी के साथ खाना। और उसके बाद गाइस मैं आपके साथ एक किट शेयर करूँगी जो कि मेरी सिस्टर ने बना के रखी हुई है। इसका ये जो है इसने ट्रेवल बैग जो है वो बना के रखा हुआ है, और यहाँ पे जी अब बस इसको मैं ओपन करवाऊँगी और जो जो इसने जिस तरह से चीज़ें सेट वगैरह करके रखी हुई हैं वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरी छोटी छोटी सिस्टर है और बस मिनिमम सी चीज़ें इसने रखी हुई हैं और सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरत की है। मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या रखा हुआ है तुमने, तो उसने बताया ये रखा, मैंने कहा चलो हाँ मैं ब्लॉग में शूट करूँ अपने सब व्यूवर्स को भी दिखाऊं। तो जी सबसे पहले इसने सैनिटाइज़र निकाल के बाहर रखा है, और उसके बाद जी टिंट एज अ ब्लशन, एज अ लिपस्टिक आप यूज़ कर सकते हो, सभी को पता होगा। और उसके बाद जी ये हैंड क्रीम निकाल के रखी है, और ये मिस्टोस का फाउंडेशन है, ये बहुत लाइट वेट है, अच्छा है। और उसके बाद गाइस ये मस्कारा है, ये मेकअप की मिनिमम सी चीज़ें हैं, फाउंडेशन, मस्कारा और लिप टिंट।
और उसके बाद गाइस ये पेन शेप में जो है परफ्यूम है, इतना कमाल, इसकी फ्रेग्रेंस जो है बहुत ज़्यादा कमाल है। मुझे मतलब बहुत कम परफ्यूम्स अच्छे लगते हैं लेकिन इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इसमें मेरी पूरी नियत है, मैं अपनी बहन से लेने की पूरी कोशिश करूँगी। तो खैर बस यहाँ पर जी मेरी सिस्टर ने एक पेन भी रखा हुआ है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है पेन भी ज़रूर होना चाहिए आपके पास, और एक छोटी सी डायरी भी रखी हुई है और इसमें कुछ कैश भी रखा हुआ है। आप चाहें तो अलग से छोटा सा वॉलेट वगैरह रख लें, लेकिन इधर इस पेस का तो उसने कुछ कैश इधर ही रखा हुआ था। और डायरी और पेन मतलब कुछ भी नोट वगैरह करने की जो है आपको नीड पड़ सकती है कभी भी, तो ये भी होना मस्ट है आपके किट में खेलें। और उसके बाद गाइस ये कुछ पिंस वगैरह रखी हुई हैं और एक थ्रेड और सुई वगैरह जो है कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, ये भी होना मस्ट है। और उसके बाद गाइस यहाँ पे जी पेन किलर रखा हुआ है मेरी सिस्टर ने, और ये एक आप रबर बैंड कह लें पोनी कह लें वो भी एक रखा हुआ है मेरी सिस्टर ने, और साथ में ये कुछ टिश्यूज़ वगैरह रखे हुए हैं और ये माउथ फ्रेशनर रखे हुए हैं। अगर मेरी किट होती तो मैं ज़रूर यहाँ पे फ्रेशअप के बजाय पान बाहर ऐड करती क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब देखते हैं कि और सनी प्लास वगैरह मेरी सिस्टर ने रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा नीड की चीज़ें हैं और ये मस्ट मस्ट होनी चाहिए आपकी ट्रेवल किट में। तो अगर ये सब चीज़ें आपके पास होंगी तो फिर आपको किसी भी किस्म की परेशानी या दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और एक इस तरह की टेप वगैरह भी आप रख लें। तो बस जी गाइज यही मिनिमम सा मेरा व्लॉग था, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी बहन की ये ट्रेवल वाली किट जो है वो किस तरह मतलब कैसी लगी, उसका ये अरेंज किया हुआ बैग किट कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि मज़ीद किस तरह की वीडियोज़ आप लोग देखना पसंद करेंगे। और गाइज एक चीज़ रह चुकी थी, वो कह रही थी आप ही मास्क तो आपने दिखाया है नहीं, तो इस तरह के एक मास्क वगैरह भी आप अपने किट में रख सकते हैं। तो जी गाइज मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।